देख रहे हैं आज तक आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। कोरोना को लेकर अपनी खास पेशकश आपको दिखाएंगे, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर मेदिनीपुर में हमला किया गया है। केंद्र पहले ही हिंसा पर चिंता जता चुका है। जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया है, लेकिन विदेश राज्य मंत्री के काफिले पर हमला, इस वक्त पश्चिम बंगाल से यही बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले ये हमला किया गया, उसके बाद की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिदनापुर में ये हमला हुआ है। 4 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कल अपने शपथ ग्रहण के बाद कि राज्य की कानून की व्यवस्था उनके हाथ से निकल चुकी है, इसीलिए चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, और आज ये हमला। देखिए बिल्कुल, ये हमला जो है वो केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन है, जो 4 सदस्य टीम बनाई गई थी, जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है या उनके साथ मारपीट हुई है चुनाव नतीजों के बाद, उनको घरों में जाकर उनसे मिलने के लिए, खुद जेपी नड्डा भी गए थे परसों, लेकिन वी मुरलीधरन जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं वो आज वेस्ट मिदनापुर गए थे। उन्होंने 2 कार्यकर्ताओं के यहाँ जाके मुलाकात की उनके परिवारों से और उनको संतावना दी और श्रद्धांजलि दी। जब वो तीसरी जगह जा रहे थे, तीसरे कार्यकर्ता के घर पर, तब उनके जो पायलट गाड़ी है उस पर हमला हुआ और उनकी गाड़ी पे हमला हुआ। उनकी गाड़ी पे जब हमला हुआ तो उनके ड्राइवर को भी चोट लगी है, और ये बात खुद मुरलीधरन भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से जो है अटैक किया गया है उनके पायलट गाड़ी पर भी और उनकी गाड़ी के ऊपर भी, यानी कि लोगों को इस बात का पहले से जानकारी थी कि वो आएंगे और पूरे तरीके से जो है सुनियोजित तरीके से हमला किया। और हमले की तस्वीरें हम हिमांशु देख पा रहे हैं, गाड़ी के शीशे को डैमेज कर दिया गया और काफी ज्यादा डरा देने वाला ये पूरा का पूरा मंजर, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बेकाबू होती हुई दिख रही है, यहाँ पर कई सारी चीजें सवालों के घेरे में है। हिमांशु, दरअसल पूरा का पूरा जो कानून व्यवस्था का सिस्टम है वो चुनाव के पहले से ही चरमरा चुका है। पश्चिम बंगाल से रक्त रंजित तस्वीरें आती रहती हैं और ये उसमें एक नया अध्याय है। देखिए बिल्कुल, इस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से अमूमन आती रहती हैं, चाहे वो चुनाव हो या नहीं हो, और जैसा कि चुनाव बाद भी हुआ। इससे पहले याद कीजिए, चुनाव से पहले जो है जेपी नड्डा के जो है कैवलकेट पे और उनके पायलट पे गाड़ियों पे हमला हुआ था, और जेपी नड्डा जिस गाड़ी में बैठे थे उसमें भी पथराव हो गया था। तो इस तरीके की चीजें हमारे को हमेशा टीवी पे रिपोर्ट होती है, रक्त रंजित जिस तरीके की पॉलिटिक्स रही है चुनाव के दरमियान भी और चुनाव के बाद भी। अब ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो बात ममता बनर्जी कह रही है कि सही में कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने ये भी कहा था अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद कि वो जो है वॉयलेंस किसी भी तरीके का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो जब ममता बनर्जी ने कहा था और क्या कानून व्यवस्था। और कल उन्होंने जिस तरीके से सारे ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स से लेकर आईएएस ऑफिसरों की ट्रांसफर की है, उसके बाद भी अगर कानून व्यवस्था इस तरीके की है तो जरूर सवाल उठता है ममता बनर्जी की प्रशासन करने की जो तरीका है उसको लेकर। लौटूंगे मैं आपके पास। इस बीच अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं पश्चिम बंगाल से हमारे साथ। अनुपम, जिस कानून व्यवस्था का हवाला लगातार ममता बनर्जी दे रही हैं कि उनके नियंत्रण से बाहर हो गई है कानून व्यवस्था, क्योंकि बहुत सारे अफसर्स का तबादला कर दिया गया है, क्या इसको लेकर कोई हाई लेवल मीटिंग या समीक्षा बैठक की गई है ममता बनर्जी की ओर से, क्योंकि लगभग 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है उन्हें कमान संभाले हुए। जी बिल्कुल, कल भी एक बैठक की गई थी और आज भी एक हाई लेवल उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारियों, आईपीएस अधिकारियों, आईएएस अधिकारियों के साथ बैठक चल रही है कि किस तरह जो जगह जगह हिंसा भड़की थी उसको काबू में लाया जाए। कल ममता बनर्जी ने कहा था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने सभी जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको आदेश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अभी भी हालांकि हिंसा में कमी आई है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से आज हमला हुआ है वी मुरलीधरन के काफिले पर, वो एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है राज्य की कानून व्यवस्था पर कि आखिरकार क्यों इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं कसी जा पा रही है अब तक। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन के रह गया है। और साथ ही अनुपम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस हमले में दरअसल कितनी क्षति हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री क्यों पहुंचे थे वी मुरलीधरन?
देखिए राहुल सिन्हा और वी मुरलीधरन पश्चिम मिदनापुर में जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पर जा रहे थे, इसी दौरान पथराव हुआ है और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो नुकसान हुआ है, लोगों को जो नुकसान हुआ है, उसमें ज्यादातर जो रिपोर्टर्स हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, उनको हुआ है। जो ईंटें फेंकी गई हैं, जो पथराव किए गए हैं, कईयों के सिर में चोट लगी है। तो ज्यादातर जो नुकसान हुआ है, जो मीडिया कर्मी साथ में थे, जो पीछे थे, उनको नुकसान हुआ है। और जिस तरह की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, लग रहा है ये हंगामा काफी देर तक वहां पर चलता रहा अनुपम। जी बिल्कुल, जब वो वहां जा रहे थे तब अचानक से ही पथराव शुरू हो गया उस इलाके में और किसी तरह वहां से गाड़ी निकाली गई, लेकिन गाड़ियों के कांच वगैरह टूट गए जो पथराव हो रहा था। और कुछ जो मीडिया कर्मी थे जो पीछे की ओर थे, उनके सिर में चोट लगी। बाद में एक जगह सेफ जगह आकर सबको पानी वगैरह दिया गया है, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन इस तरह की घटना किसी भी तरह शोभनीय नहीं है एक सभ्य समाज में, और इस तरह की घटनाओं पर तुरंत लगाम लगनी चाहिए। और साथ ही अनुपम, ये जो लोग हमला कर रहे हैं, ये टीएमसी के कार्यकर्ता तो नहीं जान पड़ते, ये लोकल लोग हैं मिदनापुर के गाँव के आसपास के इलाके के? जी देखिए, बीजेपी का आरोप साफ तौर पर है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन टीएमसी अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर रही है। हालांकि सभी कुछ पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, अराजनीतिक कुछ नहीं है। और पिछले तीन दिनों से जो घटनाएं घट रही हैं, सभी कुछ राजनीतिक है, खासतौर पर बीजेपी और टीएमसी के बीच। जहां जहां पर जिस पार्टी का जोर है, वहां पर वो पार्टी अपना बल प्रयोग कर रही है, और खासतौर पर कार्यकर्ता भी उतने शामिल नहीं है जितने की जो गुण तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, वो इसमें सम्मिलित हैं। और इनको काबू में करना बहुत जरूरी है, पुलिस को बहुत कड़े हाथों से, बहुत कड़े कदम उठाकर इन सब चीजों को तुरंत काबू में करना होगा। और साथ ही अनुपम, आपने भी ये खबर दिखाई थी कि जिन इलाकों में दरअसल हिंसा हो रही है, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहां पर वो सख्ती से निपट भी रहे हैं। ये सेंसिटिव इलाके में नहीं आता है जहां पर हमला हुआ है? जी ये भी सेंसिटिव इलाके में आता है, लेकिन जो बात हो रही है कि पुलिस बल जितनी कड़ाई करनी चाहिए, जिस हिसाब से पुलिस को अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए या एरिया डोमिनेशन करना चाहिए, जिस तरीके से, जिस आक्रामक रवैये के साथ पुलिस को काम करना चाहिए, वो आक्रामक रवैया अभी तक हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। साथ ही अनुपम, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि विदेश राज्य मंत्री जो कि मिदनापुर के दौरे पर थे, ये वेस्ट मिदनापुर का इलाका है जहां पर उनके काफिले पर हमला हुआ है, कई सारे पत्रकार भी घायल बताए जा रहे हैं। अनुपम हमें जानकारी दे रहे हैं लगातार, और दो तस्वीरें आपके सामने। कल जब ममता बनर्जी ने शपथ ग्रहण किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द कानून व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। अनुपम, जिस तरीके का मंजर हमने कल देखा था शपथ ग्रहण के दौरान, राज्यपाल का ये कहना कि कानून व्यवस्था ममता बनर्जी ठीक करें, इस तरीके की नसीहत सीधे सीएम को, जाहिर तौर पर ये सांकेतिक भी था और कई मायनों में ये काफी ज्यादा राजनीतिक तूल भी पकड़ चुका है उनका ये कहना। जी बिल्कुल, दरअसल जिस तरह की हिंसा हुई ठीक परिणाम आने के बाद से, और उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ कल सुबह, तो गवर्नर ने खास तौर पर इसी बात पर तवज्जो दी कि ये जो हिंसा हो रही है, इसको तुरंत रोका जाए। हालांकि कल दोपहर बाद से जिस तरह की हिंसा की खबरें पूरे राज्य से आ रही थी, उनमें काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पूरी तरह से नियंत्रण पुलिस नहीं कर पाई है। ज्यादातर जगहों पर नियंत्रण किया है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी जिस तरीके का नियंत्रण होना चाहिए पुलिस का, वैसा नहीं दिख रहा है। और उसी की एक मिसाल आज जब वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ, यहां पर पुलिस की समुचित व्यवस्था फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि जब एक केंद्रीय मंत्री इलाके में जा रहे हैं तो वहां पर पुलिस की समुचित व्यवस्था बहुत अनिवार्य है, होनी जरूरी है, और अगर ऐसा हुआ होता तो इस तरह की घटना नहीं होती। लौटूंगी मैं आपके पास अनुपम। हिमांशु मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। हिमांशु, कल हमने सुना था कैलाश विजयवर्गीय तो सीधे तौर पर नाम लेके आरोपी तय कर रहे थे, बीजेपी इस वक्त लगातार हमलावर है और निंदनीय भी है इन तमाम हिंसा की खबरों को लेकर। लगातार जो है ये कह रही है कि जो चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके का उनके आपको रोकना चाहेंगे, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपकी सबसे पहले तो सेहत और तबीयत जानना चाहेंगे, आप पर हमला किया गया है, चोटें आई हैं आपको? नहीं नहीं, मुझे कोई चोट नहीं है, लेकिन मेरी गाड़ी और मैं जिस गाड़ी से जा रहा था उस गाड़ी का ड्राइवर को चोट लगी है। गाड़ी पर अटैक हुआ है, मेरा पायलट व्हीकल पर अटैक हुआ है,
ये हम तो एक प्रजातांत्रिक तरीका है कि कहीं कुछ हमला हुआ है, किसी का घर तोड़ा गया है, वहां जाना, वहां लोगों को आश्वासन देना, ये पॉलिटिकल एक्टिविटी में एक जिम्मेदारी है। तो हम भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल पश्चिम बंगाल में विजिट किया था, उसके हिस्सा अंश के नाते में आया था, और यहाँ मिदनापुर में कुछ घरों पर जहाँ हमला हुआ है वहां मैं गया था। तो एक 40-50 लोगों का एक ग्रुप हमें रोका और हमारे ऊपर अटैक किया, हमारी गाड़ी का वो तोड़ा है, उसमें थोड़ा सा चोट लगी है ड्राइवर को। इट शोज दी सॉर्ट ऑफ मनार्किक सिचुएशन दैट इज देयर इन द स्टेट। सर, ये जो हमला और अटैक आपको आप पर हुआ है, ये सुनियोजित साजिश लग रहा है आपको, प्लान्ड अटैक था? नहीं, ये मुझे व्यक्तिगत कोई प्लान करके अटैक करने का मेरे ऊपर नहीं है, ये डेमोक्रेटिक एक्टिविटी पर एक अटैक है, क्योंकि मुझे तो कोई टीएमसी वालों को व्यक्तिगत मुरलीधरन नाम के किसी नेता के ऊपर कोई अटैक करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता को घुसने नहीं देंगे, ये शायद वो संदेश देना चाहते। सर, जो टोटल एनआरकी सिचुएशन इस वक्त पश्चिम बंगाल में है, जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वहां की मौजूदा सरकार पर ही बनती है, भले ही ममता बनर्जी ये कहें कि इस वक्त कानून व्यवस्था उनके हाथ से निकलती जा रही है, ये हवाला दिया है उन्होंने। नहीं नहीं, उनको उन्होंने कल बताया कि मैं तो अभी शपथ लिया हूँ, अभी तक इलेक्शन कमीशन ये सब प्रशासन का कंट्रोल कर रही थी, अभी 24 घंटा तो हो गया है, अभी तो कंट्रोल उनके हाथ में आना चाहिए था, तो कंट्रोल उनके हाथ में ही है, उनके ही आशीर्वाद से ये सब हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। सर, वो ये कह रही है कि कुछ अफसरों के तबादले कर दिए गए, ट्रांसफर हुए, कुछ लोगों को पोस्ट से हटा दिया गया, इसी वजह से ये स्थिति इतनी बिगड़ी है, कुछ लोगों को हालांकि उन्होंने बहाल किया है पिछले 24 घंटे में। नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफर और पोस्ट बदला है, उसका उद्देश्य क्या था ये अभी समझना पड़ेगा, क्योंकि उद्देश्य ये स्थिति ठीक करने के लिए नहीं है, इसको और उनके हिसाब से कराने के लिए है, ऐसे समझना पड़ेगा। सर, जब आप पर ये हमला हुआ उस वक्त पुलिस की मौजूदगी थी वहां पर? विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन हमसे बातचीत करते हुए बताते हुए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है पश्चिम बंगाल में, इसका संज्ञान जल्द से जल्द ममता बनर्जी सीएम को लेना चाहिए, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है उनको शपथ लिए हुए। फिलहाल यहां रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, टिकते रहिए। आज मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर आज हमला किया गया, तस्वीरें आपके सामने हैं, वेस्ट मिदनापुर में ये हमला हुआ है, और अब से कुछ ही देर पहले जब हमसे बातचीत कर रहे थे उन्होंने बताया कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ड्राइवर को चोटें आई हैं, काफिले में जो अन्य लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों को और मीडिया कर्मियों को भी चोट लगी है। कल की तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कल ममता बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की बड़ी वजह है कानून व्यवस्था और प्रशासन का उनके हाथ से निकल जाना, क्योंकि लंबे समय से ईसी के कंट्रोल में ये सब कुछ था। We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence, horrendous violence that has affected society at large. Post-poll violence, if it is retributive, is antithetical to democracy. সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায়, এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেট আপ তৈরি করব, তার কারণ তিন মাস এই সেট আপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফেক্টিভ ইনএফিসিয়েন্সি ছিল, সুতরাং বাদবাকিটা আমি অ্যাপিল করব, কেউ যেন কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ আচরণ না করে। रुक रहे हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, टिकते रहिए आज।